सत्ता जिसकी है ना, उसके मानने वाले, उसके विचार के लोगों की भावनाएं भावनाएं होती हैं, बाकी किसी की भावनाएं भावनाएं नहीं है। सत्ता के अलग राय अगर आप रखते हैं तो आपकी कोई भावना नहीं है। ये इसका एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा विमर्श है, एक बड़ी राय है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है इससे कोई बहस ही नहीं हो रही है। मेरी भावना आहत हो गई, मैं गया कोर्ट में केस किया, पुलिस पकड़ ले गई, FIR दर्ज हो गया। भाई एक बात बताओ, उनकी राय अलग हो सकती है ना भाई, आप उस पर बहस करते, प्रोफेसर हैं वो, उन्होंने कहीं भड़काने काम नहीं किया। मस्जिद के सामने दंगा करवा रहे हो तुम। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद, मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय पे मौजूद हूँ। बहुत जमा है यहाँ पर भीड़, और अभी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, जिस तरीके से अराजकता देश में फैली हुई है और उसी के चलते प्रोफेसर रतन लाल जी की अरेस्टिंग हो चुकी है आज। तो सर, जिस तरीके से इतिहासकार हैं हमारे प्रोफेसर रतन लाल जी, क्या ये जो सत्ता में बैठे अधिकारी हैं उनसे, इतिहासकार से डर रहे हैं? इतिहासकार से नहीं, वो उन लोगों से डर रहे हैं जो उनसे अलग राय रखते हैं, जो जानते हैं कि उनके RSS के एजेंडे, भारतीय जनता पार्टी के नफरत के एजेंडे के खिलाफ जो भी आवाज़ें हैं वो उनको दबाना चाहते हैं। इसीलिए वो इस तरह के लोगों को चिन्हित करके जेल में डाल रहे हैं ताकि बाकी लोग चुप हो जाएं। आप उनसे डर जाएं, कुछ भी लिखना भाई जेल में चले जाओगे, FIR दर्ज हो जाएगा, आपको कुछ भी कर देगा तो बाकी लोग तो फिर खामोश हो जाएंगे। इसलिए एक बड़ा एजेंडा है, क्योंकि अब इस समय अपने हर तरह की आवाज़, विरोधी आवाज़ को वो खामोश करना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है, हम उसके खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं। सर, इस तरीके से और भी लोग जो ट्वीट करते हैं, अंधभक्त लोग हैं, इस तरीके के ट्वीट करते, गाली बकते हैं, लिंचिंग तक की, मार काट की बात कर देते हैं, उन पर FIR नहीं होती, उनको 153A नहीं लगता है? सवाल है, यहाँ तो 295A लग गया है। आप ये बताइए कि, मैं फिर से कह रहा हूँ, सत्ता जिसकी है ना, उसके मानने वाले, उसके विचार के लोगों की भावनाएं भावनाएं होती हैं, बाकी किसी की भावनाएं भावनाएं नहीं है। सत्ता के अलग राय अगर आप रखते हैं तो आपकी कोई भावना नहीं है। ये इसका एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा विमर्श है, एक बड़ी राय है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं कि भाई भावनाएं आहत होना और ये सारी चीज़ें तो बहुत दूसरी बात है, आप उसके खिलाफ आवाज़ों को दबा नहीं सकते। विश्वविद्यालय खुली जगह है जहाँ बहस होनी चाहिए। हमारी राय तुमसे अलग है, तब भी हम अपनी राय रखेंगे और हमें अपनी राय रखने का अधिकार है। सत्ता अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों की आवाज़ों को दबाया जाए। बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और खामोश किया जाएगा, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। इसी तरीके से सर, जो अभी सर के ऊपर जो है 153A लगा, संविधान जो है सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, विचारधारा की आज़ादी देता है, मगर उसके चलते जो है अरेस्टिंग हो जाती है, ये किस तरीके की? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये केवल मसला इस बात का है कि आप, वो उन्होंने क्या लिखा है इससे कोई बहस ही नहीं हो रही है। मेरी भावना आहत हो गई, मैं गया कोर्ट में केस किया, पुलिस पकड़ ले गई, FIR दर्ज हो गया। भाई एक बात बताओ, उनकी राय अलग हो सकती है ना भाई, आप उस पर बहस करते, प्रोफेसर हैं वो, उन्होंने कहीं भड़काने काम नहीं किया। मस्जिद के सामने दंगा करवा रहे हो तुम, देश में आग लगवा रहे हो तुम, उससे कोई भावना आहत नहीं हो रही है। उसको मुसलमान कमज़ोर है तो उसकी कोई भावना नहीं है, और आप ताकतवर हो गए तो आपकी भावनाएं इतनी उफान मार रही हैं। और दूसरी बात, दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? ये तुम 80% हिंदू जिसको कहते हो वो हिंदू नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी सर से हमने बात की, इस तरीके से आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से सबके पास पोस्टर बैनर्स हैं, संविधान का जो है, भारत का संविधान लेकर के सभी लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि भारत का संविधान जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, विचारधारा की आज़ादी देता है, लेकिन एक प्रोफेसर जब ट्वीट कर देते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और सोचिए, जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इसी तरीके से और लोगों पे भी जो है शिकंजा कसा जाता है, ताकि आवाज़ ना उठाए, खुलकर ना बोल सके, अपने हक अधिकार के लिए लड़ ना सके। आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पर विश्वविद्यालय में मौजूद है सारी भीड़ जो है, सारे स्टूडेंट मौजूद है जो प्रोफेसर रतन लाल जी की अरेस्ट पे जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर संविधान लेकर के सभी लोग खड़े हैं, सभी के हाथों में आप देख लेंगे जय भीम, ये जो है झंडे हैं हाथों में, सभी के हाथों में बैनर पोस्टर है। और सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले तो यहाँ पे सामने दिखा दीजिए किस तरीके से पूरी
पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मौजूद है, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आतंकवादी घुस आए हो, कि छात्रों को अपनी हक अधिकार के लिए लड़ने और विरोध करने का भी जो है आज़ादी नहीं है इस देश में। इस देश में किस तरीके की अराजकता फैलाई जा रही है आप सीधा सीधे तौर पर देख सकते हैं, सामने पुलिस फोर्स किस तरीके से मौजूद है, जैसे अभी यहाँ पर इस देश में आतंकवादी घुसाए हो, जैसे यहाँ पर छात्र नहीं या आतंकवादी हो, इस तरीके से ये पूरा देश के अंदर दिखाया जा रहा है। कोई भी जो है अपनी हक अधिकार की अगर बात करेगा तो उसको इसी तरीके से जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आप देख लीजिए ख़त्म होती जा रही है सामने। और ये सारी पूरी टुकड़ी आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स के साथ साथ यहाँ पर पूरी टुकड़ी जो है कमांडोज की भी टुकड़ी मौजूद है सामने। इसी तरीके से सारे जो छात्र हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है प्रोफेसर रतन लाल जी की रिहाई की डिमांड और मांग को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं।